न्यू ईयर, क्योंकि ये जब वीडियो डालूंगी तब तक न्यू ईयर हो गया होगा. तो यस, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप आप लोग ने आपका न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, सेफली सेलिब्रेट किया होगा. एनी वेज, देख रहा हूँ मेरे आजू बाजू में जो इतना क्लोथ्स ये सब क्यों है, सोचो क्यों है. फाइनली मैं बाहर जा रही हूँ घूमने के लिए, कब से बैठी थी घर में, बट यस फाइनली 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 इतना पेशेंस रखने के बाद मैं घूमने जा रही हूँ. एंड मैं कहाँ जा रही हूँ वो सब आपको मैं बताऊँगी, बट फिलहाल मैं अभी पैकिंग कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना गंदा मेस बनाया है. वेट, लेट मी शो. ये दो बैग्स, यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे कपड़े, शूज़, तो देखो गॉड, मतलब इतना कोई कैसे अनटाइडी हो गई हूँ मैं फ़िलहाल, बट यस कर रही हूँ मैं, कुछ तो कर रही हूँ. इसके बाद मैं अच्छे से टाइट कर, मतलब क्लीन कर दूँगी. सो जैसे कि आपने देखा बहुत ज़्यादा मैंने मेस कर लिया है, बट मैं इसको क्लीन कर दूंगी, क्योंकि जब आप सेलेक्ट करते हो ना तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो. तो मैं भी फिलहाल वही कंफ्यूजन वाले स्टेट में हूँ कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ, कंफ्यूज हूँ. वैसे मैं यहाँ पर मेरे घर में पैकिंग करूँगी, फिर मैं मेरी सिंस मैं मेरी बहन एंड मेरे जीजू के साथ जा रही हूँ तो मैं उनके घर जाके फिर से पैकिंग करूँगी. सो यहाँ पर जो पैकिंग होगा वो एकदम ऐसे ही कुछ भी मतलब, हाँ मतलब टनल के साथ हम टनल को ऐसे थोड़े थोड़े करके लेते हैं वैसा. तो फिलहाल मैंने अभी सारे विंटर क्लोथ्स ले लिए, अब मैंने इतना लिया है, अब मैं उसको इतना करूँगी, फिर दी के घर जाके अब मैंने इतना लिया है मैं उसको इतना करूँगी और फिर दी के घर जाके मैं इतना करूँगी. ठीक है, समझ रहे हो, लाइक मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो आप लोग, मेरा लैंग्वेज ही कुछ अलग है. एनी वेज, तो अभी मैं थोड़ी कन्फ्यूज हूँ क्या लूँ नहीं लूँ, बट स्टिल मैं कर लूँगी कुछ ना कुछ. एंड बाय द वे सॉरी थोड़ा सा आवाज़ आता होगा, वॉशिंग मशीन चल रहा है, कपड़े धो रहे हैं वहाँ पे, तो इसके लिए वो आवाज़ आ रहा है. एनी वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ हिमाचल प्रदेश. ओ गॉड आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि मुझे स्नो देखना है. तो आप लोगों को पता होगा मुझे फ्रोजन मूवी नहीं, शायद आपको नहीं पता होगा, आप मैं बताती हूँ. ओ गॉड, वॉशिंग मशीन. तो मेरे को फ्रोजन मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जब भी वो फ्रोजन मूवी देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं एना हूँ, मेरी बहन एल्सा है एंड मुझे हमेशा एक ऑलिव बनाना है. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. तो मेरी हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ पर स्नो गिरेगा ऐसे मैंने बोला है मेरी बहन ने और जीजू ने, लेट्स सी. पहले तो ये पूरा प्लानिंग एक सरप्राइज था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था हम कहाँ जा रहे क्या कर रहे कुछ आइडिया नहीं. तो बेसिकली अभी भी मुझे नहीं पता, हम अभी भी सिर्फ मुझे इतना पता हम लोग हिमाचल प्रदेश जा रहे, हिमाचल में कहाँ जा रहे कैसे क्या वो सब मुझे कुछ नहीं पता. सो बेसिकली ये आइटनरी फ्री एंड एक फुल सरप्राइज फुल इवेंट होने वाला है, इवेंट इन द सेंस ट्रिप होने वाला है. तो यस आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे ऐसे सरप्राइजेस पसंद है. एनीवेज मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पैकिंग करते हैं, क्योंकि मैंने ये थोड़े से ट्रिक्स एंड बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के सोचा है, क्योंकि ना अभी मेरे को ये सबको एक बैग में घुसाना है और एक ही बैग में मुझे डालना है और जो कि चेकिंग बैग. तो उसमें मैं मेरे इतने सारे आउटफिट्स कैसे लूँ. बाय द वे हम लोग 10 डेज के लिए जा रहे हैं, तो 10 डेज के आउटफिट्स मतलब 10 डेज, और मुझे कपड़े बहुत पसंद है. तो मैं पूरा ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हूँ किस दिन मैं किधर क्या पहनूंगी. बाय द वे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, यू हैव टू प्लान योर आउटफिट्स और इट्स बहुत अजीब हो जाता है. मतलब प्लानिंग होगा ना तो यू लुक नाइस, प्लानिंग के बिना भी यू ऑब्वियसली लुक नाइस, बट स्टिल आई प्रेफर टू प्लान बिफोर हैंड, क्योंकि वो एक अच्छा मुझे ऑर्गेनाइज वाला फीलिंग देता है एंड आई लव टू बी ऑर्गेनाइज. एनीवेज बट स्टिल ये वाला मैसेज देख के प्लीज जज मत करना, बट यस एनीवेज तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पैकिंग कैसा है एंड हम मतलब मैं पूरा जर्नी ट्राई करूँगी व्लॉग करने का. आई नो ये मेरा फर्स्ट एवर व्लॉगिंग होगा, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है फिलहाल क्योंकि मैं कैसे व्लॉगिंग करूँगी क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है. एंड सेकेंडली मुझे
ये एक ब्रेक मिल रहा है तो मुझे एंजॉय भी करना है, तो आई डोंट नो मैं कैसे कवर कर पाऊंगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड कुछ भी रॉन्ग हो गया या तो फिर कुछ भी हो गया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरा बिल्कुल मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो सिर्फ अभी जैसे होगा मैं वैसे करूँगी, 100% तो दूंगी मेरा, बट स्टिल आई एम नॉट दैट श्योर कि मैं उतना अच्छा कर लूँगी, बट ठीक है, लेट्स सी, विल फिगर आउट दैट, डजेंट मैटर। ओ बाय द वे, बड़ी शॉप का डब्बा लेके जाना है, याद रखना। एनीवेज तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैं क्या क्या पैक कैसे कर रही हूँ, एंड प्लीज़ बने रहिएगा मेरे वीडियोस में, मेरे हिमाचल वाले ट्रिप में। एंड इसको मैं ना एक नेम दे रही हूँ, एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड विथ मी, इस पूरे व्लॉग सीरीज को, बिकॉज हिमाचल इज दैट प्लेस आई हैव नेवर एक्सप्लोर्ड, आई हैव नेवर सीन दैट प्लेस, एंड येस दिस हैज़ टू बी समथिंग स्पेशल। एंड सिंस हम लोग क्रिसमस टाइम में जा रहे हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई लव दिस सीजन, आई डोंट नो वाई, लाइक मुझे ये पूरा सीजन, मैं बहुत ज़्यादा बकबक कर रही हूँ ना, कोई नहीं कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते अभी फाइनली पैकिंग करना, वरना बड़बड़ करती रह जाऊँगी। और मुझे निकलना है 4:30 को, एंड इट्स ऑलरेडी 1, आई जस्ट हैव 2 hours विथ मी, या 2 hours, 3 तक हो गया तब मैं निकल पाऊंगी। ओके 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 डन, बस बस बहुत बकबक हो गई यार, चलो स्टार्ट करते हैं, बाय। हाय, थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में मैंने कैमरा को सेट कर दिया है। एनीवेज अब जो मैं बताने वाली हूँ वो मेरे कुछ ट्रिक्स है जो मैं हमेशा हर ट्रिप्स में फॉलो करती हूँ, क्योंकि उससे ना मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है मेरे लगेज बैग में, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है एंड आप लोग ऑफकोर्स कर सकते हो। सो मैं बताती हूँ, फर्स्ट तो ये है कि आप लोग जो मैं दिख रही हूँ ना, हाँ एनीवेज नहीं दिख रही हूँ मैं, पर मैं ही हूँ, दिव्या ही हूँ। हाँ, तो जब आप क्लोथ्स को लेके जाते हो ना आपके साथ, तो उसको आपको फोल्ड नहीं करना है, आपको उन्हें रोल करना है, सो इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाता है। ये मैंने ट्रिक मेरे जीजू से सीखा है, तो यस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बस सी व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पर मैं इसे फोल्ड कर सकती थी, बट आई एम नॉट डूइंग फोल्डिंग, आई विल सिंपली रोल दिस, आई विल रोल दिस, एंड आपके पास सिर्फ रबर बैंड होगा तो वो डाल सकते हो। अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, बट मैं मेरी जीजू के घर जाके डाल दूंगी। तो यस, तो इससे क्या स्पेस क्रिएट हुआ। फॉर एग्जाम्पल सी दिस, नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड क्लोथ, और मैं ना हमेशा से उल्टा फोल्ड करती हूँ, क्योंकि पता नहीं लगेज बैग में इफ हम हमारे वॉशरूम के आइटम्स रख रहे हैं, बाथरूम के आइटम्स रख रहे हैं, लोशंस रख रहे हैं, सनस्क्रीन रख रहे हैं, जो भी टॉयलेट्रीज होता है वो सब कुछ ना कुछ मेस्टअप कहीं ना कहीं हो ही जाता है, कहीं मतलब हो ही जाता है, इन द सेंस हो सकता है, अजम्पशन है ये एक। तो यस, मैं इसके लिए हमेशा मेरे क्लोथ्स को उल्टा फोल्ड करती हूँ, अगर लग भी जाता है, जस्ट इन केस लग भी जाता है, तो एटलीस्ट मुझे दिक्कत तो नहीं आएगा मेरे आउटफिट में, आई कैन आफ्टरवर्ड्स ऑब्वियसली वॉश दैट, बट स्टिल प्रिकॉशंस, ये कुछ मेरे क्लोथ्स के प्रिकॉशंस हैं। सो यस सी, पहले एक फोल्ड एंड देन रोल, फोल्ड एंड रोल, एकदम टाइट फोल्ड करना है, सो इससे ना अपना सी 2 हो गया मेरा। ऐसे मैं अपने हर आउटफिट्स को करूंगी, आई एम टेकिंग दिस वन पीस, सो आई विल सिंपली रोल दिस फ्रॉम हियर ओनली, तो मेरे को उतना स्पेस मिल जाता है। आई होप दिस इज यूजफुल ट्रिक फॉर यू गाइज ऑल्सो। सी मेरे 3 आउटफिट्स रेडी है, तो मैं अभी समझो ये पहनने वाली हूँ day 1 को, ठीक है। तो वॉट आई डू, आई जस्ट रबर बैंड बांध दूंगी मैं इसको, और ये मेरा day 1 आउटफिट हो जाएगा। वैसे हम day 2, day 3, day 4, जितने भी डेज के लिए जा रहे हो वो सब ऐसे फोल्ड कर सकते हो। सो दिस इज रियली वन ऑफ माई फेवरेट ट्रिक्स। सेकेंड ट्रिक इज फॉर एसेसरीज। सो बेसिकली आपके जो भी एसेसरीज होते हैं ना वो बहुत डेलिकेट होते हैं, एंड वो लगेज एरिया में आप डालोगे तो कहीं पर टूट सकता है, आप ऐसे ही नहीं डाल सकते हो, यू हैव टू गिव इट अ प्रोटेक्शन। तो मैं क्या करती हूँ, बेसिकली मेरा जो ये है सनग्लासेस का जो केस है वो एक हार्ड होता है, लाइक उसमें अर्फ डालोगे भी ना कुछ नहीं होगा। तो व्हाट आई डू इज
ऑब्वियसली मैं मेरे जो एसेसरीज होते हैं ना वो एक एक अच्छे वाले केस में डालती हूँ ताकि टूटे ना. फॉर एग्जाम्पल सी, वन टू एंड थ्री, मेरे थ्री एसेसरीज. ये तो बड़े थे इसके लिए थोड़ा सा स्पेस लिए, बट सी इट्स फिट. आई कैन सिंपली पुट इट इन माई लगेज. सो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है एंड इससे आपके एसेसरीज जो है ना वो प्रोटेक्टेड रहते हैं. और ऐसे चेन्स भी आते हैं जो पाउचेस होते हैं वो भी, बट उसमें बहुत स्पेस जाता है. इसमें कैसा स्पेस नहीं जाता, यू कैन सिंपली ड्रॉप दिस. आपके जो भी ट्रैकिंग बैग होगा या तो फिर कोई भी बैग होगा, लगेज होगा, सूटकेस होगा, एनीथिंग उसमें आप इजीली ड्रॉप कर सकते हो. तो यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेकेंड ट्रिक्स. आई मीन ट्रिक्स, this is also one of my favorite tricks of packing. Third trick is to wear your bulkiest item. जो भी आपको bulky लगेगा आपके bag में वो आपको wear करना है, ताकि उसका जो भी space होगा या तो फिर वो थोड़ा heavy होगा तो वो थोड़ा हल्का हो जाएगा. So मेरे इसमें ना मेरा ये bulky item है. Yes, थोड़ा ये space भी ले लेता है, पर ये मेरे लिए bulky है. So I'm going to wear this. एंड मेरा जो भी शूज दिखाती हूँ, ये जो शूज है मेरा, ये भी बहुत ज्यादा बल्कि है. सो आई एम गोइंग टू वेयर दिस ताकि मेरा बैग जो है वो खाली हो जाए. एंड आप एक्स्ट्रा स्लीपर्स प्लीज जरूर कैरी करना इफ आप लोग भी ट्रिप्स के लिए जा रहे हो, क्योंकि एक्स्ट्रा स्लीपर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इन ठंडी. सो यस, दिस आर सम ऑफ द नाइस ट्रिक्स. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारे ट्रिक्स, तो यस वो भी कैरी करना. और ओ यस, मेरे पास ये है ठंडी में वेयर करने के लिए. इसमें पैर डालना है, मैंने फिलहाल हाथ डाला है. तो यस, एकदम मऊ मऊ है, तो आप ये भी ले सकते हो. आपको कहीं पर भी नॉर्मली शॉप में मिल जाएगा. ठंडी के लिए बहुत अच्छा है. लाइक अब तक मैंने यूज़ नहीं किया है, बट हार्ड डाल के तो समझ ही रहा है. यस, सो यस, क्या था मेरा थर्ड ट्रिक, टू वेयर द बल्कीस्ट आइटम पॉसिबल, ताकि आपका वजन थोड़ा सा कम हो एंड स्पेस बना रहे आपके लगेज बैग में. स्पेस बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सोच रही हूँ मैं क्या लिख रही हूँ, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रही हूँ गाइस मैं. तो इफ आप ट्रिप पे जा रहे हो ना, प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है. बिकॉज आप कुछ भी उठा के नहीं लेके जा सकते हो, क्योंकि वो आपका स्पेस बढ़ाएगा एंड आपको ही वो उठाना है. तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी आई फील. सो मैं हमेशा कोई भी ट्रिप, स्मॉल से स्मॉल ट्रिप, इवन मुझे वन डे भी जाना है, मैं प्लानिंग करूँगी क्या करना है मुझे. तो मैं फिलहाल 10 डेज के लिए जा रही हूँ, एज यू ऑल नो, टू हिमाचल प्रदेश. तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा खासा प्लानिंग करूँ मैं कि 10 डेज के लिए क्या एंड क्या नहीं लेके जाना है. सिंस विंटर्स है, विंटर्स के क्लोथ्स लेके जाने, बट विंटर्स के क्लोथ्स में कैसे आइटम्स होंगे, ये वो बहुत सारे कैटेगरीज होंगे उसमें, वो सारे मैंने नोट डाउन करके रखा एंड कैसे पहनूंगी क्या पहनूंगी, एवरीथिंग. सिंस क्रिसमस भी है तो उससे रिलेटेड कुछ क्लोथ्स, प्लानिंग प्लॉटिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एनीवेज मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ऑर्गेनाइज रहना. तो यस, मैं वही प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रही हूँ. तो ये ना इफ़ आप याद रखिएगा, इफ़ आप ट्रिप में जा रहे हो तो प्लानिंग पहले ही कर लेना. प्री प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको ईजी रहे जब आप पैकिंग कर रहे हो या तो फिर अनपैकिंग के टाइम पर बहुत ईजी हो जाएगा. तो यस, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नोट डाउन कर लेना जो भी आपको लेके जाना है, यस मुझे ये आउटफिट्स लेके जाने हैं. तो उससे क्या समझेगा आपके, आपको खुद को समझेगा, अरे हाँ मेरे पास ये वाला शायद नहीं है, या तो फिर मेरे पास ये नहीं, टॉवल नहीं, एक्स्ट्रा टॉवल नहीं है, या तो फिर एक्स्ट्रा बिनी नहीं है, या तो फिर एक्स्ट्रा शॉल नहीं है, एक्स्ट्रा शू नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा, या तो फिर है ही नहीं, मतलब कुछ भी सिचुएशंस, हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटीज़ है, तो कुछ भी हो सकता है. तो इसके लिए प्लानिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेक श्योर, मैं आपको बता नहीं रही हूँ, लाइक आप लोग ऑब्वियसली करते ही होंगे, बट स्टिल ये सिंस मैं अपना जर्नी दिखा रही हूँ, तो यस मैं प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रही हूँ. फिलहाल बने रहिएगा. आप
लोग सोच रहे हो ना कि मैं इतना लेयरिंग क्यों दे रही हूँ. यस, ये विंटर है गाइज, एंड विंटर में माइनस डिग्री में जा सकता है, तो लेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपके हाथ, आपके कान, आपके लेग्स आई मीन टोज, दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड, बिकॉज वहां पर इस ठंडी लग गई ना तो आपकी पूरी बॉडी में ठंडी लग जाती है. एंड इवन नोज, या इवन नोज, सो उन्हें प्रोटेक्टेड रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैंने सोचा है कि आई विल डू लेयरिंग एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज लेयरिंग करेंगे ना तो इतनी ठंडी नहीं लगेगी. तो इसके लिए मैं बहुत सारे लेयर्स अपने साथ कैरी कर रही हूँ. जितना लेयर्स हो सकता है उतना बेटर है. तो हम पैंट्स को भी सेम द सेम वे डिड फॉर द टॉप्स एंड टी शर्ट्स एंड शर्ट्स, वी आर गोइंग टू डू फॉर द पैंट्स एज वेल. वी जस्ट गोइंग टू लुक, जो भी अपने आपके लेयर्स हैं वो वन लेयर, टू लेयर, थ्री लेयर, जो भी आप जैसे भी पहनने वाले हो वो प्लान करना है एंड उसे रोल करना है. ये मैंने मेरी टीचर से सीखा है, थैंक्स. तो यस, रोल एंड रोल एंड रोल एंड रोल एंड रोल, टाटा. एंड अभी इसे हम कर देंगे ऐसे डे वन, डे टू, डे थ्री, डे प्लानिंग एंड रोलिंग. एनीवेज, चलो. ओके, सो पाका जैकेट चेक, विंटर आउटफिट्स चेक, लेयरिंग यस चेक, बॉडी सॉफ्ट चेक, बानकलर्स चेक, ट्राइपॉड चेक, एक्स्ट्रा शूज चेक, डायरी चेक, मॉइस्चराइजर चेक, यस सनस्क्रीन चेक, बिनीस चेक, स्काफ्स चेक, टूथब्रश चेक, एक्स्ट्रा टॉवल्स चेक, मास्क चेक, सैनिटाइजर चेक, मी चेक. यस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन. यस, एंड आई गेस हो चुका है फाइनली ऑलमोस्ट पैकिंग. अभी क्या बच गया मुझे खुद को याद नहीं आ रहा, और ऑलमोस्ट 3 o'clock हो गया है. तो आई फील एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. लेट्स सी, कुछ रह गया तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है ना, लाइक हम ऑलरेडी हमने ये वाला पैकिंग तो अच्छे से कर लिया है, हम ये वाले पैकिंग में कर लेंगे अगर कुछ रह जाता है तो, और इट्स वी आर गुड टू गो. एनीवेज, आई फील हो गया है, सिर्फ मुझे आपको दिखाना है कि मैंने एक्स्ट्रा क्या लिया है न्यू. अपार्ट फ्रॉम ये तो सब लेते ही है, बट इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें ली है जो मैं आपको बताती हूँ. आप लोग भी इफ विंटर ट्रेकिंग के लिए जा रहे हो तो यू कैन ऑल्सो बाय दोज थिंग्स, सो आई विल शो यू गाइज दैट. सिंस हम विंटर ट्रेकिंग के लिए जा रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाती है. आधी चीज़ें ही इधर है मेरे पास, आधे भी नहीं, आधे से भी ज़्यादा एक दो चीज़ें ही है मेरे पास यहाँ पे. बाकी सारी चीज़ें सिंस दीदी एंड मेरी जो दीदी है एंजी जी ने ख़रीदा है तो वो सारा उनके घर में है. तो मैं इस बात मैं इफ नहीं सॉरी ऑफकोर्स मैं वहाँ जा रही हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग कर पाई तो मैं ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें भी बताऊँगी. इफ बट नहीं कर पाई तो मैं आपको अभी वर्बली बोल देती हूँ. तो पहली बात तो मेरे पास जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको वो बताती हूँ. आप लोग भी आपके विंटर ट्रैकिंग के टाइम में ये सारी चीज़ों का ख्याल रख सकते हो एंड इंक्लूड कर सकते हो आपके लगेज में. एनीवेज, सो फर्स्टली ये सारे ये वाले ना हीटिंग पैड्स है, जस्ट इन केस आप लोग का सर्वाइवल सिचुएशन सिंस कोल्ड होता है एंड हिमाचल, मनाली या फिर शिमला ये साइड में ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो एक सिचुएशन के बाद ह्यूमन बॉडी को नहीं होता वो किसी किसी को लेना. तो यू कैन यूज़ दिस हीटिंग पैड्स, ये आपको डिकैथलॉन में मिल जाएगा. ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरी बहन एंड मेरी बहन दीपा एंड शशांक ने दिया है, उनका इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पर टैग कर दूंगी. आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना होगा उनसे पूछ लेना, ये सब मैंने उन्हीं से सीखा है. तो यस, सिंस वो आप लोग से नहीं बोल पाएंगे तो मैं उनके थ्रू आपको बता रही हूँ. सो यस, हीटिंग पैड्स ये उन्होंने ही लिया है, तो कुछ कुछ थोड़े से मेरे पास हैं, बाकी सब उनके पास ही हैं तो मैं उनसे ले लूँगी ऑफकोर्स, बट स्टिल मैं आपको अभी दिखा रही हूँ. तो ये ना हीटिंग पैड को व्हाट यू गाइस हैव टू डू, यू नो यू जस्ट हैव टू रिमूव, ये निकालना होता है. एंड अभी फॉर एग्जांपल ये पाम्स का है तो इसको निकालना होता है और इसमें से जो आएगा
उसके अंदर एक लेयर होता है, ठीक है, वो लेयर का सिर्फ निकालना होता है और हाथ में लगाना होता है और उसको थोड़ा सा रब करने का, तो अपने आप उसके अंदर ना हीट जनरेट होता है तो उससे आपको ठंडी नहीं लगती और हाथ में और पैरों में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो ये हीटिंग पैड बेस्ट है, ये आपको पाम्स के लिए मिलते हैं, पैरों के लिए मिलते हैं, लाइक टोस के लिए मिलते हैं, एंड आप इसे चेस्ट के यहाँ लगा सकते हो या फिर बैकबोन में लगा सकते हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वी विल श्योरली यूज़ दिस वंस क्योंकि मुझे लग रहा है हमें तो ये यूज़ करना ही है। तो यस, हमने इसके बहुत सारे पैकेट, मैंने नहीं सॉरी मेरी बहन अंजू ने लिए हैं, मैं आपको हुआ तो वो दिखाऊंगी, बट यस ये ऐसे होते हैं, याद रखना। आप लोग भी आपके ट्रैवल में इंक्लूड कर सकते हो इफ आप लोग भी विंटर ट्रैकिंग या फिर विंटर हॉलीडेज प्लान कर रहे हो, अभी भी बहुत टाइम है, तो यस यू कैन बाय दिस थिंग्स। और ये लिया है, ये मेरे जीजू ने लिया है मेरे लिए, तो ये अंधेरे अभी सिंस ट्रैकिंग कर रहे हैं हम, अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है तो दिखाई नहीं दे रहा, तो यू जस्ट हैव टू वेयर दिस ऐसे। ओ सॉरी, तो यस ये ऐसे लाइटिंग होता है, तो ये चेकिंग के टाइम में बहुत यूजफुल होता है और बहुत ज़्यादा मस्त है, मतलब पहनना है यार और क्या, लाइट आ रही है बस हो गया। तो यस ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। ये इसके अलावा जो नहीं है मैं उनके बारे में बोलती हूँ क्योंकि मुझे आई एम नॉट श्योर मैं शूट कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, तो मेरे को भूल के मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देना ही है। तो इसके अलावा जो हमने लिया है वो है क्लाइंबिंग स्टिक, जो कि ऐसा होता है जिसके आप थ्रू ट्रैकिंग कर सकते हो, जो आपको सपोर्ट देता है। यस yes, वो लिया है हमने, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि चलने के टाइम वो सपोर्ट देता है, तो आप माउंटेन से मतलब यू कैन टेक अ सपोर्ट फ्रॉम इट ना, तो आपको वो ईजीली ट्रैक करने के टाइम ईजी होगा। तो यस yes, वो लिया है। उसके अलावा हमने वाटर बैग्स लिए हैं। वाटर बैग्स क्या होता है, आप लोग जब ट्रैकिंग में जाते हो तो बॉटल्स कैरी करना बहुत हैवी हो जाता है एंड एक ही साइड में वो बॉटल डाल दो तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते अनकम्फर्टेबल हो जाता है ट्रैकिंग के टाइम में। तो मेरे जीजू ने क्या किया है, एक बैग टाइप्स लिया है, उसका मेरे को अगर उसका कुछ लिंक विंक मिला ना तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर श्योर मैं ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने जब वो पिक्चर देखा तो मैंने विजुअलाइज कर लिया उसका कितना यूजफुल होने वाला है। तो यस वो बैग कैसे होता है, बैग उसके अंदर पानी कैरी कर सकते हैं आप एटलीस्ट 3 liters और 4 liters तक, एंड यू हैव टू जस्ट पुट इट अराउंड योर शोल्डर्स एंड एवरीथिंग, एंड शोल्डर ऐसे बैग के जैसे आप वेयर करना है, एंड उसका एक ट्यूब होता है, वो ट्यूब के थ्रू यू कैन ड्रिंक वाटर, लाइक यू हैव टू सक बट यू कैन ड्रिंक वाटर, एंड दैट्स अमेजिंग। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये ट्रिक, एंड ट्रैकिंग के टाइम में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा क्योंकि यू कांट कैरी बॉटल्स ना, बिकॉज इतने बड़े बड़े बॉटल्स क्या कहाँ कैरी करेंगे ट्रैकिंग के टाइम, ऑलरेडी यू आर वेयरिंग योर बैग ट्रैकिंग बैग, उसके ऊपर से यू हैव टू कैरी दैट ऑल्सो, सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो यस वो वाला भी लिया है हमने। और उसके अलावा क्या लिया है, आई गेस इतना ही लिया है फिलहाल, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, बट मैं जितना हो सकेगा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत एसेंशियल है एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, एसेंशियल से ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि आप जब ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे में यूज़ होने ही वाला है। तो यस ये सारी चीज़ें मैं आपसे 100% शेयर करूँगी क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग चेकिंग के लिए जा रहे हैं, ट्रिप्स के लिए जा रहे हैं, विंटर ट्रिप्स के लिए जा रहे हैं, सो दिस विल बी श्योरली यूजफुल टू यू एज वेल। सो यस बने रहिएगा, अभी फिलहाल बहुत बात बात हो गई, मैं एक लास्ट मिनट चेकअप कर रही हूँ एंड विल गो फॉर शावर। हश, फाइनली मेरा पैकिंग हो चुका है, लाइक ये वाला लेयर आपको क्या कह रहा है, ये वाला लेयर, फिर उसके बाद मुझे दीदी के घर जाके ये वाला लेयर करना है, तो फिलहाल ये वाला लेयर का पैकिंग हो चुका है एंड इट्स ऑलमोस्ट 3:15। ओ गॉड, आई जस्ट हैव 45 minutes टू गेट रेडी एंड लीव। तो यस पैकिंग फाइनली हो चुका है, बहुत जल्दी जल्दी कर लिया मैंने, थैंक गॉड मम्मी एंड डैड ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया, और मुझे यहाँ पर 5 बजे तक बैठना ही पड़ता। यस आज पैकिंग हो चुका है, अभी मैं थोड़ी टाइम में दीदी के घर चली जाऊंगी, फिर वहां जाके हम ये लेयर से ये वाला लेयर का पैकिंग करेंगे, क्योंकि हाँ कुछ कुछ आइटम्स हम रिजेक्ट कर देंगे, बट यस कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स फेयर इनफ।
यस प्लीज बने रहिएगा इस थ्रू आउट मेरे जर्नी में. एंड आई एम रियली सॉरी इफ मैं कुछ अच्छे से नहीं कर पाई तो ऑलरेडी सॉरी बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा न्यू हूँ इसके लिए. बट आई विल ट्राई दैट एंड आई होप मेरे कुछ फोर ईजी ट्रिक्स थे वो आपको काम आएंगे आपकी ट्रिप के लिए, सिंस अभी बहुत सारे जो प्लान कर रहे हैं ट्रिप्स में जाना. सो आई होप ये कुछ फोर ट्रिक्स मेरे टॉप फोर ट्रिक्स आपको काम आएगा. तो यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मीट यू ऑल सून. हाय गाइस, आई एम इन द मिडल ऑफ माई पैकिंग, लाइक बहुत बाकी और पैक करना. बाय द वे ये मेरा बैग है, इसमें बहुत ठूस ठूस के रखना पड़ रहा है. एंड मैं क्या बोलूँ, घर की ना हालत हो गई है. मैं आपको दिखाती हूँ, देखो उसकी हालत, मतलब पूरा घर बैग बैग बैग, कपड़े कपड़े, ये वो, मतलब समझ ही नहीं रहा है क्या रखे, बट ठीक है. सो ये सारे हमारे कपड़े हैं, मैंने बैग से निकाल दिया है. अब मुझे बस मेरे ट्रेकिंग बैग में डालना है. मैंने सबको ऑर्गेनाइज कर दिया है. बाय द वे ट्राईपॉड, पाका जैकेट, ये मेरा बैग, बिनीज, शॉल्स, सारे को मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है, सब बैग में डालना है. एनीवेज ये है मेरा शूज और ये हीटिंग पैड्स. पता है ठंडी के लिए क्या क्या रखना है, तो मैं जस्ट रखती जा रही हूँ. बस वज़न ज़्यादा नहीं उठाना है, सो जितना हो सकता उतना स्मार्टली रख रही हूँ मैं. लेट्स सी, मेरा बैग तो जीजू ने भरा, मतलब जितना भरा भी. अब मैं फिर से देख रही हूँ क्या रख सकते क्या नहीं, एंड लेट्स सी मैं आपको थ्रू आउट मेरे जर्नी में लेके जाऊंगी. आप लोग मेरे साथ ट्रैवल कीजिएगा, ठीक है. अब मुझे बहुत नींद आ रही है बट पैकिंग नहीं हुआ है, सो आई कांट स्लीप. लेट्स सी, जस्ट हमने डिनर करा, डिनर करने के बाद मेरे अंदर एनर्जी आ गई यार. ठीक है चलो, बस बहुत ज़्यादा मैं बड़बड़ करती हूँ, लाइक मैं एक बार स्टार्ट देखा फिर से. एनीवेज बाय. हालत ख़राब हो चुकी है भाई, पैकिंग कर करके ठूस ठूस के कपड़े. सिंस हम कुछ माउंटेनियरिंग स्टिक्स एंड ट्राईपॉड लेके जा रहे, सो लगेज में टूट ना जाए, सो हम उसे प्रोटेक्शन दे रहे फिलहाल. यस, एट द एंड ऑफ द डे पैकिंग तो हो ही गया, इसी खुशी में जम के सोने वाली हूँ आज मैं. बट उससे पहले मैं आपको जो हमारा ट्रैकिंग बैग रेडी हुआ है वो आपको दिखाती हूँ. ये ऑरेंज कलर का ट्रैकिंग बैग मेरी जीजू का है, ऑल सेट. ये रेड कलर का ट्रैकिंग बैग है मेरा, स्वेयर एंड सिंपल, है ना. और ये ब्लू कलर का ट्रैकिंग बैग है मेरी दी का. हमने केजीज एंड वेट चेक किया, थोड़ा ज़्यादा है बट ठीक है, उठा ही लेंगे, सह ही लेंगे. सो गाइस स्टे ट्यून्ड, मैं बहुत सारे हिमाचल के वीडियोस डालने वाली हूँ अपकमिंग वीक में, सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.